सर भाई पीछे से कोई मेरे ख्याल से चल साहब आओ तुसी जरा चन माइया जरा इधर आओ जरा शॉर्ट अल्फाज में जरा थोड़ा सा मैं जरा इसको शॉर्ट की जाएगा जी जी मैं बस एक शॉर्ट कर दूं बिस्मिल्लाह रहमान रहीम मेरे अजीज दोस्तों डीलर भाइयों अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम आप सब लोगों तक मेरी आवाज आ रही है इंशाल्लाह ताला हमारी आवाज दूर तक जाएगी किसी लाउड स्पीकर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी सबसे पहले मैं इस जो भी इज्तिमा हुआ है हम सब दोस्त अहबाब यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं जिन लोगों ने ये आज मेहनत की है ये एक बंदे का काम नहीं है ये इनके साथ बहुत सारे डीलर भाइयों के काम है और मेरे ख्याल से पिछले ये चंद दिनों से मेहनत कर रहे थे इनकी जिदोजहद के बाद आज हम सब डीलर भाई यहाँ पे जमा हुए हैं ये जो गैदरिंग होती है ये याद रखिएगा एक बंदे का काम नहीं होता है ना ये एक दिन का काम होता है कि आपको SMS किया जाए आप फौरन जमा हो जाए अगर एक SMS पे एक कॉल पे आप सब लोग इस तरह से जमा होने शुरू हो जाए तो यकीन कीजिए आप एक मसा भी जा बना ये मेहनत होती है जिदोजहद होती है मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने मुझे ही मौका दिया आप सब लोगों को भी ये बारी बारी मौका दे रहे हैं कि आप लोग अपने ख्याल का इजहार करें आप दूसरों की तरफ मत देखें क्योंकि क्या कह रहा है कोई अच्छा बोलता है कोई बुरा बोलता है किसी का तजर्बा होता है कोई ना तजर्बाकार होता है किसी का ज्यादा तजर्बा होता है किसी का कम होता है लेकिन बात सब भी सुने दूसरों की बात पे कमेंट ना करें आप सब लोगों को यहाँ पे इसलिए जमा किया गया है कि आप लोग अपने अपने ख्याल का इजहार करें दूसरे के ख्याल का मत टच करें हम सब लोग यहाँ पे अपने मिसाइल को डिस्कस करने के जमा हुए हैं कि गोरी टोन में जो मिसाइल है उनको कैसे अमल करेंगे ये कैसे हल होंगे हमें एक साल हुआ है गोरी टोन में प्रॉपर्टी का ऑफिस बनाए हुए 25 दिसंबर 2020 को हमने ऑफिस बनाया हुआ है हमें भी बहुत सारी मुश्किल पेश आई है हमने जब ऑफिस बनाया यकीन करेंगे कि 3 माह के बाद हमें कागज दफ्तर खाली करें हमें भी गुस्सा में नहीं आता हम क्या करें कोई यूनियन का नुमाइंदा हमारे पास नहीं आया मैं ये नहीं कहता हूँ वो यूनियन ये यूनियन 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 होती है वो हम में से हैं हम में से उन्होंने उनको वोट दिया है वैसे हमने भी दिया हो आप लोगों ने भी दिया हो वोट आप किसी को भी दे सकते हैं ठीक है लेकिन उन लोगों को चाहिए था जो सिलेक्ट हुए हैं वो हमारे दरमियान भी बैठे हुए हैं यहाँ पे उनको चाहिए था कि वो इन लोगों के डीलर भाइयों के मिसाइल हल करें अगर वो मिसाइल हल नहीं कर सके तो कोई बात नहीं मैं आप लोगों को ये भी कहता हूँ कोई मिसाइल हल कर सकता है कोई नहीं कर सकता है किसी जगह मिसाइल इतने ज्यादा हल होते हैं जिस तरह गोरी टोन में है हर बंदा एक बंदा मिसाइल नहीं हल कर सकता है हम सब जमा होंगे और मेरे ख्याल से इसी तरह से जमा होते रहेंगे तो हमारे मिसाइल हल होंगे अब आप देखें एक गोरी टोन में एक डीलर भाई का मसला हुआ थाने में उसके खिलाफ रिपोर्ट हो गई है हम में से मेरा नहीं ख्याल के 10 बंदे भी गए होंगे फिर एक और डीलर के भाई के खिलाफ रिपोर्ट हो गई है थाने उसको बुलाया गया फिर तीसरे भाई जो हमारे बीच में ये आप इतना बड़ा प्रॉपर्टी का 16 प्रॉपर्टी का हम सारे इकट्ठे बैठे हैं यहाँ देखे 20 इकट्ठे बैठे फिर जब हमारा मसला हल हुआ हमारे दरमियान में एक भाई को तकलीफ हुई फिर हमने सोचा यार आज उसके साथ हुआ कल हमारे साथ भी होगा उसके बाद हमें यह एहसास हुआ कि हमें सब लोगों को इकट्ठा होना चाहिए तो हमें ये चाहिए कि हम रोज इसी तरह से आज दूसरे दिन एक हफ्ते के बाद महीने बाद इस तरह हम जमा होते रहे हम अपने मिसाल को डिस्कस करें कि हम अपने मिसाल को कैसे हल कर सकते हैं हम में से कोई भी तो ये भगत सती साहब है कमाल सती साहब है रजत वीर साहब है कोई भी ऐसा ये अकेला कोई भी हल नहीं कर सकते जब आप सब लोग जमा होंगे तो आप देखेंगे आप हर हफ्ते के बाद जमा हो आप हर महीने के बाद जमा होंगे आप देखेंगे आपके मिसाइल ऑटोमेटिकली हल होना शुरू हो जाएंगे और मिसाइल हल नहीं हो कम से कम जरूर होना शुरू हो जाएंगे ठीक है और दूसरा ये कि कमेटी बन जाती है कमेटियां हमने बनती बैठी देखी है कमेटियां टूटी भी देखी हैं कमेटियां बन जाती हैं लेकिन ये कि कमेटी को चलाना आगे उसे काम लेना काम करना ये बड़ा मुश्किल काम है मैं ये आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि कमेटी की बजाय इसको अगर आप रब्ता कमेटी का नाम दें तो ज्यादा बेहतर रहेगा उसमें हम सब लोग मुतफिक होकर हम शामिल हो जाएंगे ये नहीं कि मैं इलेक्शन के या यूनियन के खिलाफ हूँ मैं खुद यूनियन बनाता हूँ मेरा ये शौक भी है मैं बनाता भी रहा हूँ मेरा तजर्बा भी है यूनियन के भी मैं हक में हूँ इलेक्शन के भी हक में हूँ अगर आप ये समझते हैं कि यूनियन बनाएगी इलेक्शन कराया गया उन लोगों ने किसी भी हमें जो लोग बैठे उन्हें काम नहीं किया खैर कोई बात नहीं इलेक्शन प्रोसेस में भी जाने चाहिए जब बार बार आप इलेक्शन में जाएंगे तो आपके मिसाइल हल होंगे ठीक है ये एक दिन में तो मिसाइल हल नहीं होते हैं ना ठीक है इसी तरह जो राबता कमेटी बनाई गई है राबता कमेटी का ये काम है कि सब लोगों को मुतफिका तौर पर राबता कमेटी बनाए और हम सब लोग पहले आपस में बैठ के मीटिंग करें कि हमारे मिसाइल क्या है देखिये हमारे जो मिसाइल है ना वो हमने खुद हल नहीं करने हैं
फिर भी हमने कंपनी के पास जाना है। मैं ये भी आपको पिछली तरह मीटिंग हुई हमारी गैदरिंग की, हमने ये भी कहता था कि देखो चौधरी अब्दुल रहमान साहब है, राजा अली अकबर साहब है, वो कंपनी के यहाँ पे गोरी टोन के वो ज्यादा फैसले करते हैं। अब चौधरी उस्मान साहब है, कल कोई और भी आ सकता है, फैसले फिर भी किसने करने हैं गोरी टोन में, कंपनी ने ही करने हैं ना। तो हमने हमें चाहिए कि हम सब लोग जमा हो, एक रब्ता कमेटी बनाए, ऐसे लोग बनाए जो कंपनी वालों के साथ बातचीत करे, अपना पहले एक एजेंडा तैयार करे कि हमारे मिसाइल क्या है, हमारे दो मिसाइल है, तीन है, दस है, उनको लिखे हैं उस वक्त, फिर उनके पास लिखे, ये हमारे फिर यकीन कीजिए। मैं कहता हूँ ये आप अगर आप पांच या दस मिसाइल लेके जाते हैं ना, दस फॉर एग्जाम्पल मिसाइल लेके जाते हैं, मैं अल्लाह ताला के यकीन से कहता हूँ कि दस में से पांच मिसाइल आपके उसी दिन आने चाहिए, इसलिए आप सब लोग इकट्ठा हैं।